हाँ तो दोस्तों आपका स्वागत है टेक्नोलिक टीवी पर। तो आज है हमारी यार टेक न्यूज़ का एपिसोड नंबर 3। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि आज आपके लिए कमाल की टेक न्यूज़ हम लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों जो पहली अपडेट है वो है यार वन प्लस की तरफ से। तो वन प्लस 7 के दोस्तों दोबारा से बैक कवर यहाँ पर लीक हो चुके हैं। जैसे कि यार रेंडर आए थे बिल्कुल कवर उसी हिसाब के, आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा के लिए स्पेस देखने को मिलेगा। साथ में आपको जो कैमरा की पोजीशन है वो बिल्कुल रेंडर के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से यार कन्फर्म है कि जो वन प्लस 7 का लुक है वो बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, जो कि यार अच्छी बात है क्योंकि पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। बहुत लोगों को ये पसंद आ रहा है लेकिन बहुत को नहीं आ रहा है। हाँ तो दोस्तों जो अगली अपडेट है वो यार सैमसंग की तरफ से कि सैमसंग का जो गैलेक्सी जे सीरीज है वो दोस्तों अब स्टॉप हो चुकी है, यानी कि आपको उसमें कोई भी फ़ोन आप दिखाई नहीं देंगे। इसके पीछे का रीज़न ये कि जो गैलेक्सी ए सीरीज थी वो सक्सेसर थी जे सीरीज की, तो अब आपको जे सीरीज में कोई भी फ़ोन देखने को नहीं मिलने वाला है। और जो सैमसंग गैलेक्सी का जे 8 है वहाँ पर आपको पाई का अपडेट भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है, तो अच्छी बात है। हाँ तो दोस्तों अगली अपडेट है वो है यार रेडमी के नोट 7 प्रो की तरफ से कि जो रेडमी नोट 7 प्रो का जो 6GB वाला वेरिएंट है वो कल आपको सेल में देखने को मिल जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने कल ही आपको टेक न्यूज़ में अपडेट कर दिया था। दोस्तों रेडमी के बाद अब अपडेट आती है गूगल की। तो यार गूगल का दोस्तों जो पिक्सल 3A और 3A XL है वो दोस्तों लीक हो चुके हैं, उनके स्पेक यहाँ पर लीक हो चुके हैं। तो गूगल के पिक्सल 3A में दोस्तों आपको 5.26 इंच की या 5.8 इंच के आसपास आपको OLED की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ में दोस्तों आपको जो बैटरी है वो 3000 mAh की देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन का 670 देखने को मिलेगा। 12 MP का आपको कैमरा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और इसकी जो प्राइसिंग लीज के हिसाब से आई है वो 35,000 के आसपास आई है। देखते हैं यार कितना चल पाता है गूगल का पिक्सल 3 और साथ में जो 3A XL है वहाँ पर आपको 6 इंच की डिस्प्ले दिखाई देगी। तो काफ़ी अच्छी बात है, वेट कीजिए गूगल के पिक्सल 3A सीरीज का। हाँ तो दोस्तों जो अगली अपडेट है वो है ओनर की तरफ से, और एक अपडेट नहीं है काफ़ी सारी अपडेट है। जो दोस्तों ओनर का 8S है दोस्तों उसके जो केस है वो लीक हो चुका है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यार इसके स्पेक के बारे में पता नहीं चल पाया है, कब तक आएगा ये भी नहीं पता है, लेकिन इसका केस दोस्तों फिलहाल लीक हो चुका है। हाँ तो दोस्तों 8S के बाद अब खबर आती है ओनर के 20i की। यहाँ पर दोस्तों उसका जो पोस्टर है वो रिलीज हो चुका है। 17 अप्रैल को दोस्तों ये चाइना में लॉन्च होने वाला है। खासियत आपको इसमें ये मिलेगी कि आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग भी काफ़ी एग्रेसिव होगी, देखते हैं यार इंडिया में ये कब तक आता है। और दोस्तों अगली जो अपडेट आई है वो ओनर की तरफ से, जो ओनर के दोस्तों 20 सीरीज है, यानी कि जैसे हुआई की खुद की सीरीज होती है हुआई P20 Pro या P30 ऐसी, यहाँ पर ओनर की भी 20 सीरीज है दोस्तों। यहाँ पर आपको 3 फोन कम से कम दिखाई देने वाले हैं कुछ महीनों में, जो है ओनर 20 लाइट, ओनर 20 प्रो और ओनर का 20, जो कि मैंने आपको कल ही टेक न्यूज़ में अपडेट कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक जो ओनर 20 लाइट है उसके जो स्पेक है दोस्तों वो बिल्कुल P30 लाइट से मैच खाते हैं। यहाँ पर आपको क्रीन 710 मिलेगा और साथ में आपको ट्रिपल कैमरा भी देखने को मिल सकता है। जो प्राइसिंग है वो भी आपको 20,000 से कम ही देखने को मिलेगी। तो देखते हैं यार क्या परफॉर्म कर पाते हैं ये सारे स्मार्टफोन ओनर के और हुवाई के। तो दोस्तों अगली खबर है वो है दोस्तों हुवावे की तरफ से ही कि यहाँ पर जो P30 सीरीज है उसको इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है ऑफिशियली। जो P30 प्रो है उसकी प्राइसिंग 71,000 रखी गई है 128GB वाले वेरिएंट की। साथ में दोस्तों जो P30 लाइट है उसकी प्राइसिंग 20,000 के आसपास यहाँ पर आपको दी गई है। जो P30 Pro है आपको काफ़ी अच्छे फीचर मिलते हैं, क्रीन के 980 मिलता है। साथ में जो आपको P30 Lite है वहाँ पर आपको क्रीन 710 मिलता है। तो दोस्तों देखते हैं यार कैसे परफॉर्म कर पाते हैं जो हुवावे के जो ये सीरीज आई है हमारे इंडिया में, कि बाकी फ़ोनों को ये बीट कर पाती है या नहीं कर पाती है। हाँ तो दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो है Realme 3 Pro से रिलेटेड। अगर दोस्तों Realme 3 Pro की हम टेक न्यूज़ नहीं रखेंगे तो यार काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो माधव सेठ हैं उनके CEO, उन्होंने यार अपने जो फ़ोन की पिक्चर डाल दी हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इससे यार काफ़ी आइडिया लग गया है कि फ़ोन का जो कैमरा है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़िया होने वाला है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने एक स्पेशल आज वीडियो अपलोड की है सुबह में, तो आप एक बार जाकर उसको ऊपर आई कार्ड पर देख लें, क्योंकि यार वो अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने वहाँ पर आपको कंपेयर कर दिया है Redmi के Note 7 Pro से, स्पेक कंफर्म हो चुके हैं और कैमरा सैंपल्स भी दोस्तों मैंने आपको वहाँ पर दे दिए हैं, तो एक बार जाकर चेक ज़रूर कर लें। दोस्तों जो अगली अपडेट है यार वो काफ़ी बड़ी है, सैमसंग की गैलेक्सी A80 की दोस्तों यहाँ पर लीक आ चुकी है, रेंडर आ चुके हैं। तो दोस्तों इसको देखकर आइडिया लगता है कि जो हम गैलेक्सी A90 के बारे में बात कर रहे थे रोटेटिंग कैमरा, वो बेसिकली A80 होने वाला है, जो कि लीक्स में कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों उसके गीक बेंच स्कोर भी आ चुके हैं। इसमें दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का 675 वाला चिप सेटअप की बात देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा 48 MP का भी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ में दोस्तों एक कमाल की फीचर टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है कि आपको जो साउंड है वो स्क्रीन में से आती हुई दिखाई देगी, यानी कि शायद आपको फिजिकल स्पीकर आपकी बार ना मिले तो स्क्रीन के जरिए आपको साउंड सुनाई देगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जैसे कि आपको LG के फ़ोन में भी देखने को मिली थी। तो काफ़ी बढ़िया दोस्तों और काफ़ी अच्छे स्पेक लग रहे हैं, देखते हैं यार क्या धमाल कर पाता है और कैसा होता है यार, कितनी प्राइसिंग होती है, मेन तो वही चीज़ है।
तो दोस्तों अगली अपडेट है वो है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो के जो रैन है दोस्तों वहाँ पर उसका एक रेंडर आ चुका है, तो देखने में यार कुछ बढ़िया सा होगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फुल व्यू डिस्प्ले यहाँ पर रहने वाली है। और दोस्तों एक अपडेट और आई कि जो ओप्पो रेनो है दोस्तों वो बेसिकली एक फ़ोन ना होकर कई सारे फ़ोन होने वाला है, यानी कि एक सीरीज है। इसमें दोस्तों जो लेट्स गो डिजिटल नाम की एक वेबसाइट है उसने अपडेट किया है कि ओप्पो ने एक पेटेंट लिया है ट्रिपल कैमरा का ओप्पो रेनो के लिए। तो इसमें दोस्तों ये बिल्कुल जाहिर हो जाता है कि ओप्पो रेनो के कई सारे फ़ोन आएंगे। उन्होंने बताया कि 5 फ़ोन कम से कम दोस्तों आने वाले हैं रेनो सीरीज में। तो दोस्तों उनके नाम भी आ चुके हैं, किसी का नाम यूथ होगा, लाइट होगा, तो काफ़ी सारे नाम है दोस्तों, लेकिन जो फ़ोन आएगा जब हम आपको बता देंगे। तो ओवरऑल अगर देखें तो रेनो सीरीज काफ़ी हिट होने वाली क्योंकि कई सारे फ़ोन हैं, तो बेसिकली हर प्राइस सेगमेंट में शायद आपको देखने को ये मिल जाए। तो ये थी दोस्तों आज की टेक न्यूज़। उम्मीद है यार आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई तो यार लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो में इतना के लिए, वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।